सो यहाँ बहुत सारी दुल्हनें यहाँ पे हैं, एक दो तीन चार पर बहुत सारी तो नहीं, खैर पांच दुल्हनें हैं, और आप इन्होंने अलग अलग कलर्स के जोड़े पहने हैं, अलग अलग ज्वेलरी जो है वो इनके साथ. अब ज़रूरी नहीं है कि जो इन पे अच्छा लग रहा है वो आप पे भी अच्छा लगे. तो एक्सपेरिमेंट कैसे करें, शादी से पहले कैसे पता लगाएं कि हम पे क्या सही लगेगा? देखिए आजकल तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, उस पर भी देखें कि ब्राइड्स कैसे बनती हैं, कौन सी अच्छी लग रही हैं, किस जोड़े के साथ कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज्वेलरी हैवी अच्छी लग रही है, लाइट, ये बहुत ज़रूरी होती है. निदा कि किसी छोटी हाइट है तो वो खुद देखे कि मैं कैसे टॉल लगूँगी, कैसे टॉल लग सकती है. अगर आप छोटी हाइट पे छोटी शर्ट पहन लेंगी तो आप शॉर्ट लगेंगी, छोटी हाइट पे अगर लॉन्ग शर्ट पहनेंगी तो आप थोड़ी सी, आपका हेयर स्टाइल क्या होगा, आपकी ज्वेलरी, ये आप सोशल मीडिया पर देखें. अच्छा, हमारे जमाने में तो निदा ये नहीं था, हम खुद देखिए लड़कियों ने ना सोचा हुआ होता है कि मुझे तो ये गरारा पहनना है, मुझे इस दिन शरारा पहनना है, मुझे इस दिन ड्रेस पहनना है, ड्रेस नुमा भी तो आजकल कपड़े आ गए. मगर लड़कियों को ये समझ नहीं होती कि शौक तो है, शौक दा कोई मोल नहीं, लेकिन क्या ये मेरे ऊपर सही लगेगा? जैसे आपने कहा छोटी हाइट है, अगर क्या ये मेरे ऊपर सही लगे वो कैसे पता लगाए? एहतशाम के शोज देखें, मेरे शोज देखें शोज देखें और सीखें कि आपकी जो बॉडी टाइप है उसके ऊपर क्या चीज़ अच्छी लगती है. आप पे कलर कौन सा अच्छा लगता है, आप पे जो ज्वेलरी का गोल्ड है वो कौन सा वाला आपके स्किन टोन के साथ जाता है. अब देखें ये ज्वेलरी का गोल्ड भी, ये भी देखना पड़ता है. ओ देखो डिफरेंट गोल्ड्स है ना, कुंदन का गोल्ड थोड़ा डल होता है, एक चमकीली ज्वेलरी होती है जो बताई अभी एहतशाम ने, एक मीडियम गोल्ड होता है, गोल्ड और एक पुराने जमाने वाला गोल्ड होता है. हाँ वही ना, जो चांद बाली के साथ तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छी तरह कैरी किया जाए, जोड़ा भी तो वैसे ही हो ना, विद अ गुड ड्रेस वो बहुत क्लासी लगता है. जोड़ा मॉडर्न हो और वो वाला ज्वेलरी हो तो फिर कैसे अच्छा लगेगा? आई थिंक पहले मुझे ऐसा लगता है कि लाइक 24 में एटलीस्ट इतना लेवरेज देना चाहिए ब्राइड्स को कि आप ज्वेलरी और ड्रेस दिखाएं और जाके आप सलून में डिस्कस करें पहले, क्योंकि मैं तो बहुत इनकरेज करती हूँ ब्राइड्स को कि पहले आप सासे खिलाफ हो जाएंगी तुम्हारे. अब मैं वही कह रही हूँ जब से बोली जा रही है, सासे नहीं नहीं वहाँ नहीं जा, सास खिलाफ हो जाए ना तो मैं उनके लिए कह रही हूँ कि जो भी पहन लिया है ना आपने तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए कि जो मैंने पहना है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक वाइब्स जाती हैं तो वो खुद ब खुद अच्छा लगने लगता है. वो कॉन्फिडेंस इज द मेन थिंग. अगर आपने गलती से कुछ पहन लिया, क्योंकि मॉडलिंग का काम क्या है, मॉडल्स क्या करती हैं कि आप सेलेक्ट नहीं कर सकती कि आपको क्या पहनना है. अब निदा ने मुझसे मॉडलिंग करानी है सपोज, तो निदा अपने डिज़ाइंस मुझे देगी. अब उसमें से दो डिज़ाइंस हैं जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहे, लेकिन वो मैंने पहनने हैं और मैंने दिखाना है सबको कि इससे बेहतरीन कोई ड्रेस, क्योंकि यही तो काम है, यही मॉडल्स का काम है. तो कॉन्फिडेंस जो है ना वो अपने अंदर से ना निकालें, इन केस कभी कभी गलतियां भी हो जाती हैं. मॉडलिंग के पैसे मिलते हैं, सासे पैसे नहीं देती कपड़े पहनने का. कॉन्फिडेंस तो आ सकता है ना निदा खुद से. और मुझे लगता है सारे कॉन्फिडेंस मॉडल्स में तो ऑब्वियसली आप लोगों में होता है, लेकिन जो ब्राइड्स होती है बहुत कंफ्यूज हो जाती हैं. वही तो कह रही हूं, आई हैव सीन, लाएं कॉन्फिडेंस, लाएं, क्योंकि तुम बता रही हो ना ज्वेलरी कुछ और है, ड्रेस कुछ और है, मेकअप, फिर हम क्या, आप कॉन्फिडेंस लाएं अपने अंदर कि अब जो होना था वो हो गया, अब मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत इंसान लग रही हूँ. भाई ब्लंडर्स इतने हो जाते हैं, चाहे आपने अपनी पसंद का ज्वेलरी ली हो, जोड़ा लियो हो, आपकी पसंद का मेकअप आर्टिस्ट हो, सब कुछ अच्छा जा रहा हो, लेकिन कभी कभी यार ऐसे सानहे हो जाते हैं जो मेरी ज़िंदगी में हुए हैं. मेरे सामने मेरी एक रिश्तेदार थी, मैं उनको लेकर तैयार करवाने, हेल्प करने के लिए गई दुल्हन बनवाने के लिए मेकअप आर्टिस्ट के पास. सो जोड़ा जेवर सब मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने संभाला हुआ था. अब बारी आई तैयार व्यार होके कपड़े वगैरह बदलने की, जब उन्होंने शर्ट पहनी और उसकी जाहिर ये होता था कि आपने काम बनवा लिया और अपने मनपसंद टेलर से अपने साइज के कपड़े सिलवा लिए, तो टेलर साहब ने ऐसी जमाने मशहूर ज़माना जिप ढूंढ के लगाई, बंद की, चुर्र जिप टूट गई. अरे भाई शादी में देर हो रही है, पहुँचना है. फिर मैं दोबारा टेलर के पास गई शर्ट लेके, फिर लगवा के लाई, फिर पहना, पता नहीं उसने क्या किया, फिर वही तीन दफ़ा मेरे चक्कर लगे. आखिरकार वो जहीन मेकअप आर्टिस्ट थी, उसने कहा छोड़ो जिप को यार, मोटी मोटी सेफ्टी पिन्स दी, वो जो बच्चों के पैंपरों पे लगती थी, क्योंकि पीछे तो दुपट्टा आ जाता है. और वो उसने इस कॉन्फिडेंस की बात कर जी हाँ ये, और फिर वो रही कॉन्फिडेंट, बिल्कुल वो दुल्हन कॉन्फिडेंट रही, उसको पता था ये सेफ्टी पैंपर वाली सेफ्टी पिन है, खुलेगी नहीं खुलेगी. जैसे मैं उस ब्राइड का बता रहा था कि जिसका जो दादी सास का उसका सेट जो था बस वेरी चमकीला गोल्ड एंड शी गॉट अ पेस्टल कलर, सही है. एंड देन आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ एक सपोर्ट मोटिवेट ही करना होता है एट द एंड ऑफ द डे कि भाई फील लाइक दिस,
ये इस तरह के आप जोन में जा सकते हैं, आप इस तरह से दिख फील कर सकते हैं। वही वाली चीज़ है कि अगर मैं अपनी बात करूं, बिकॉज आई वर्क विद सेलिब्रिटीज, विद मॉडल्स, लॉट ऑफ अदर पीपल, फिर अगर जो प्राइवेट क्लाइंट्स होते हैं या इस तरह की जो कंसल्टेशंस होती हैं उसमें फिर एक होता है कि आप उनको एग्जांपल्स देते हैं, भाई ऐसे भी हुआ था, ये भी हुआ था, ऐसे भी हो जाता है, ये भी हो जाता है। सो ये हम लोगों को ही कॉन्फिडेंस देना है ना, हम शो में आए हैं, हमें लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि अगर कोई मिसहैप हो जाता है तो बी कॉन्फिडेंट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, पता है यहीं से रिश्ते बनना शुरू होते हैं और बिगड़ना शुरू होते हैं। अब अगर किसी सास की बहुत सारी फीलिंग्स उनके जेवरों के साथ अटैच्ड हैं और वो अपनी बहू को वो पहनाना चाहती हैं, सो पूरी जिंदगी पड़ी है यार अपनी मनपसंद चीजें पहनने की। ठीक है, आप अपने बच्चे के साथ कर लीजिएगा वैसा, दोनों तरफ देखें, उसके भी ख्वाब होते हैं, लेकिन सास, मैं सास बनने वाली हूँ ना कुछ सालों में, तो मैं जरा उस तरफ जा रही हूँ, तो उनकी भी कुछ फीलिंग्स होती हैं, तो इसलिए वो भी, क्योंकि अगर वहां से लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, तो फिर आगे क्या होगा? पूरी जिंदगी पड़ी है। तो वो वाली बात कि अगर आप प्यारी हैं और आप यस आई एम कॉन्फिडेंट, मैं अच्छी लगूंगी, कुछ भी पहन लूं, एट द एंड ऑफ द डे आप दुल्हन हैं। हां ठीक है, एंड दैट इज इनफ फॉर यू टू फील दैट यू आर द ब्राइड, इट इज योर डे। ठीक है, ऊपर नीचे कोई चीज हो गई है खत्म हो गई। ब्रेक के दौरान आप कुछ बताई थी, मैंने आपको रोका था, मैंने कहा रुके रुके ऑन एयर बताइए। आई थिंक फर्स्ट चीज ये होती है कि पहले से अगर हम जितना प्रिपेयर, जिस तरह हर चीज का होता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो मुझे लगता है पहले से हम जितना कर सकते हैं, अगर आपको परमिशन है, लेवरेज है, तो आप ड्रेस और ज्वेलरी डेफिनेटली देखें। आई थिंक दैट्स मैंडेटरी, बिकॉज यू विल बी श्योर कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। लेकिन इन केस अगर इस तरह का कोई मिसहैप हो गया है, तो फिर जैसे कि हम लोग, मैं और सारा भी एग्जैक्टली समझाते हैं कि भाई पूरी लाइफ ड्रेसेस पहनने, तुम कुछ भी पहन सकते हो, पर आज अपने कॉन्फिडेंट रहो। मैंने बहुत सारी ब्राइड्स को देखा, वो इतना रोती हैं कि हमारा उनका मेकअप करना डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बात फीलिंग्स की भी होती है, जिसने बहुत चाह की शादी की होती है ना, लड़का लड़की बड़ी मुश्किलों से घर वाले माने होते हैं, उस वक्त आप लड़की को कुछ भी पहना दो, ये दिल की खुशी की बात होती है कि वो अपने मनपसंद लड़की के घर जा रही है शादी होके, उस वक्त वो कोई भी सड़ा हुआ बेचारे को जेवर दे देंगी, सस्ता सा जोड़ा पहना देंगी, वो बस वो दिल की खुशी है। और अगर आपकी पसंद का नहीं है वो दूसरा, वो आपको हीरे जवाहरात पता नहीं क्या क्या ला के पहना दे, पता नहीं कहाँ फंस गई वो देर कर रही है। ये मुझे लगता है ये नॉवेल्स में बातें सही है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी हम रोज देख रहे होते हैं, लव मैरिजेस होती हैं, लेकिन लड़कियों का बहुत बुरा बुरा हाल हो रहा होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक ब्राइड थी, वो आई एंड शी वाज वेयरिंग अ डिजाइनर वेयर, पेंसिल हील्स, और बहुत क्लासी थी, शी वाज अ डॉक्टर, तो आई और रेडी हुई, हमने उसकी स्किन प्रेप की एंड देन लाइक वी स्टार्ट हर मेकअप, उसका ड्रेस नहीं आया था, एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द ड्रेस, में हमने हेयर डू बनवा दिया, फिर जब उसका ड्रेस आया और जैसे हमने खोला, मैं पूरे सलोन में तबाही मच गई, जिस तरह वो रोई है, मतलब इट वॉज एग्जैक्टली लाइक गोल्ड पे बड़ा बड़ा चपटा पट्टा, और वो जो लड़की की पर्सनैलिटी थी, तो मतलब हम लोग लिटरली देख रहे हैं, आप उसको समझा भी रहे, आप जो कह रहे हैं ना समझाएं, बहुत वी डू दैट, लेकिन रन टाइम पे वो ऑलरेडी इतनी कॉन्शियस हुई हुई होती थी, नर्वस हुई हुई होती, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, उनका एक लेंस भी टूट जाए ना, वो इतनी मतलब दिमाग सुन होता है बिल्कुल नॉर्मल टाइम पे, अगर फॉर्म से ना तुम एक मैसेज दे दो उन लड़कियों को, ब्राइड्स को, कि अगर नॉर्मल लेंस भी टूट जाता है, नॉर्मल लड़की थोड़ा सा पैनिक होगी, ब्राइड जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10 हर चीज को लेकर पैनिक हो रही थी, ऑलरेडी बहुत एंग्शियस होती है। तो उस बंदी ने जिस तरह से सलोन में हमारी तबाही बचाई, जिस तरह वो रोई, पे मैंने उसकी अम्मी को कॉल की, मैंने सारे भाई आप आके संभाल लें, क्योंकि हमारी काउंसलिंग, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था किसी चीज़ से भी, इट वॉज अ लव मैरिज, शी लिव्स इन आई थिंक यूएस, और बहुत क्लासी बंदी थी। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक आप लोग लड़कियों को समझ आ जाए कि उनकी लड़कों से नहीं, खानदानों से शादी होती है।